फ्रेंड्स, मैं शिवानी आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल वेस्टीज मार्बल्स पर। कहते हैं कि पंखों को उड़ान देने की कोई उम्र नहीं होती, तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने 70 की उम्र में एक अपने अंदर विश्वास रखा और विश्वास रखने के साथ साथ अब बहुत सारे उनके हेल्थ इश्यूज थे, तो उन्होंने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के साथ बहुत सारे अपने हेल्थ इश्यू को सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट करने के साथ साथ यहाँ पर वेल्थ भी क्रिएट की और अपनी फैमिली में बहुत सारे अर्निंग के सोर्स भी क्रिएट किए। तो मैम के उससे आज मिलाना चाहेंगे और जैसा कि आज वो हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो मिलाते हैं आपको मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैम हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और वेस्टीज में आप क्यों आए? मेरा नाम शकुंतला शर्मा है, गाजीबाग से हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए आई थी इसमें। मैं बहुत बीमार रहती थी इसमें, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे। एक साल के बाद मैं इसमें आई और कोई मतलब पैसे की कोई वो नहीं थी, मतलब सोर्स नहीं था कैसे मतलब मैं करती, अपना खर्चा भी कैसे मैं चलाती, क्या करती। फिर योगेंद्र शर्मा जी ने मुझे कहा, कई दफा इन्होंने मेरे घर पे आए, नहीं आप ये खाओ देखो तो सही। मैंने एक साल तक नहीं खाई, वो एक दो तीन महीने तक नहीं खाई थी। फिर उसके बाद मैंने शुरू करा। फिर इनसे मैंने कहा कि जब मैं मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं काम करूंगी इसमें। अच्छा मैम, क्या हेल्थ इश्यूज थे आपको, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं ठंडी चीज नहीं खा सकती थी, बाहरी चीज नहीं खा सकती, गर्म चीज नहीं खा सकती थी, बवासीर मेरे थी, चश्मे दो लगे हुए थे। अच्छा। तो ये सारी परेशानियां थी, नीचे बैठ के उठ नहीं सकती थी। अच्छा। और दो तीन सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती थी मैं। अच्छा, आपको घुटने की भी प्रॉब्लम? घुटने की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। तो आपने वेस्टीज के कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिए? मैंने ग्लूकोसामाइन ली थी और कैल्शियम फ्लेक्स नॉनी। ग्लूकोसामाइन तो मैंने एक साल तक खाई थी लगातार। अच्छा। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई। तो जब मैंने ठीक हो गई तो मैंने कहा चलो लोगों को बताना भी शुरू करो। तो ये तो एक समाज सेवा भी है और दुआ भी मिलती है, पेशेंट हो जाता है तो दुआ भी मिलती है। तो आज मैं इसमें बहुत ही मतलब खुश हूँ मैं। अच्छा। आज मैं खड़ी हूँ तो इसी की वजह से खड़ी हूँ, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स की वजह से। अच्छा, लेने के कितने टाइम के बाद आपको आराम मिलना स्टार्ट हुआ? इसमें मैंने दो महीने तक तो मतलब कुछ नहीं लगा था। अच्छा। दो तीन महीने मैंने लगातार खाया, फिर उसमें अच्छा लगा मुझे, जैसे कुछ थोड़ा सा कम हुआ। फिर मैंने लगातार जो कहते जी कहने के ये छोड़ो मत जब तक आपका बिल्कुल ठीक ना हो जाए। तो एक साल मैंने लगातार खाया। एक साल लगातार खाया को समय जो है। अब आज आपको क्या लगता है कि आप कितना फिट है? जब आपकी लाइफ में वेस्टीज नहीं आया था और अब के टाइम में कितना फिट आप अपने आप को महसूस करते हैं? मैं इसमें बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, इससे मैं बाहर भी घूम के आई हूँ। वेरी गुड। अच्छा मैम, आपने अच्छा यहाँ से काफी सारे अर्न भी किया है, काफी सारी चीजें अर्न किया है, तो आप बताना चाहेंगे कि वेस्टीज से आपने यहाँ पे क्या क्या अर्न किया, क्या क्या लेवल है इस समय आपका? मेरा स्टार डायरेक्टर है और कारखान अच्छी करी। वेरी गुड। और दुबई में घूम के आई हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे जैसे जन्नत में आ जाते हैं। मैंने कभी भी हवाई जहाज में बैठ के नहीं देखा था, पहली दफा मैंने उससे बैठ के सब गई थी। तो 5 दिन वहाँ पे काटना बाकी में बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, कभी सोचा नहीं था, पर वेस्टीज ने वो भी मौका दे दिया मुझे। आपके यहाँ पर बिल्डिंग हुई? हाँ, पैसे भी नहीं रहते थे कभी, और मैं मांगने की भी इच्छा कभी से नहीं रखती। आज मैं अपने बच्चों से भी नहीं मांगती हूँ, आज मैं अपने ऊपर ही बलबूते पे खड़ी हूँ। हाँ। और इससे मैं गाड़ी भी अब अचीव करना चाहती हूँ, आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ जो मेरी एज की लेडीज हैं। हाँ, जरूर से हम वही चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा मैसेज फ्लो करिए कि जो आपकी घर में पड़ी रहती है, बीमार रहती है, डॉक्टर से कुछ नहीं होता। फूड सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है कि जो अंदर से आपको ठीक करती है और एक यंग बना देती है। मुझे कोई भी 75 साल की नहीं कहता है। बताना चाहेंगे कि मैम ने यहाँ पर जब दुबई टूर लिया था, वेस्टीज के लिए अचीव किया था, तो मैम ने फर्स्ट टाइम साड़ी की बजाय मैम ने सूट पहना था। और होप सो कि हम आपके साथ वाले फोटो भी शेयर करेंगे। और मैम ने जैसे कि एक बार और बताया कि आपने अपने पोती की शादी में भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। 2.5 लाख रुपया मैंने दिया था उसकी शादी में, वेस्टीज से आन करके। हाँ। अच्छा मैम, और तो अब नेक्स्ट है आपको कि आप अपने टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा मैसेज? टीम के लिए ये कहना चाहती हूँ जो मेरी एज की लेडीज हैं, वो मुझे देख के ये देखें कि अपने ही मतलब हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और सबके लिए करना
चाहती हैं तो सब मतलब ये एक समाज सेवा है और करना चाहिए सबको। तो मैं भी यही चाहती हूँ मेरी टीम में जितने भी हैं सबको गाड़ियां आए, सबको मतलब हेल्प मिले, सबको वेल्थ भी मिले, तो बहुत कुछ है इसमें। थैंक यू मैम, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा मैम, और होप सो आपसे काफी लोग मैम से इंस्पायर होंगे कि एक एज पे आने के बाद जनरली लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है मैम ने, तो थैंक यू, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग, मैं गाजीबाग से हूँ, कभी कभी देखती हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत परेशान थी, जब मैं इसमें आई हूँ तो अपने हेल्थ के लिए आई थी, और आज मैं वाकई में इससे इसी से ही खड़ी हूँ मैं, और सिर्फ ये डायमंड डायरेक्टर स्टार डायरेक्टर बन चुकी हूँ मैं, और फूड सप्लीमेंट से मैं कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने खाया नहीं हो, तीन तीन महीने खाती हूँ छोड़ देती हूँ, खाती हूँ छोड़ देती हूँ, सब चीजें यूज कर रखी हैं मैंने, और आज बाकी मैं इसी की वजह से खड़ी हूँ। वो बवासीर थी, घुटनों का दर्द था, सब मतलब अब किसी मंदिर तक चढ़ जाती हूँ। टूर भी लिया है और हुआ है वहाँ पे जाके, कभी भी मैम ने वो नहीं पहना, सूट नहीं पहना, वहाँ जाकर के फर्स्ट टाइम सूट पहना।